माजरत के साथ शाह साहब कुछ खबर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं फौरन जी। हाँ जी बिल्कुल, एक ब्रेकिंग स्टोरी है कि मेरे ख्याल में जो बानी पीटीआई की जोजा है बुशरा बीबी वो पेशावर पहुंच गई हैं और यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में जो है इस वक्त बाकायदा तमाम काबीना के लोग भी पहुंच गए, चीफ मिनिस्टर साहब भी पहुंच गए और उनका एक इस्तकबाल भी किया जा रहा है। ये भी जो हमारे दराने पर भी बात हुई है, जो यहाँ पे एडवाइज़र ऑन इंफॉर्मेशन है बैरिस्टर साहब से, और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी इस वक्त चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंची हैं, इसके बाद इनका मुआयना कराया जाएगा शौकत खानम हॉस्पिटल में, और एक मेडिकल टीम जो इस्लामाबाद से उनकी अपनी डॉक्टरों की टीम है वो भी पेशावर पहुंचने वाली है। काम करेंगी, खबर है कि पहले ये कहा गया था कि शायद वो रिहाई के बाद बनीगारा जाएंगी, और जी बिल्कुल मेरे ख्याल में वो यही कयाम करेगी और चीफ मिनिस्टर हाउस की एनेक्सी में उनके लिए जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो हमारे ज़राए हैं पीटीआई के सोर्सेज से कंफर्म किए इस बात को कि कुछ अहम मुलाकातें भी फौरन उनके मेडिकल चेकअप के बाद होंगी चीफ मिनिस्टर साहब और दूसरे जो यहाँ पे अहम तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी जो है वो पेशावर पहुँचना शुरू हो गई है और बुशरा बीबी से जो है वो लेट मुलाकात होगी उनकी और बाकी पार्टी के मामलात और दूसरे उमूर के हवाले से शायद बातचीत होगी। तो बड़ी डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में, अब तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ज्यादातर हमें नजर आएगी सेंट्रल लीडरशिप। चले मैं फिर आपकी जानिब आती हूँ, मैं इत्तेशाम साहब की जानिब चलती हूं, शायद कांटेक्ट पॉइंट तजिया वो पेश कर रहे थे इत्तेशाम साहब, अब तो ये खबर भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।